जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहां पर हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं जीएस जीके के क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और केवल यहां पर वे प्रश्न हैं जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं 2021 के, 2020 के, या फिर इससे पुराने, या फिर जो नए हैं। इन सभी एग्जाम में पूछे गए जो प्रश्न है दोस्तों, उन्हें आपको हम यहाँ पे सोल्व करवा रहे हैं। कोशिश करेंगे आपको और भी फैक्ट डिस्कस करवाएं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक से, लेकिन उससे पहले बता दें कि यह जो क्लास है हमारी 500 सेट जो हमें आपको डिस्कस करवाने हैं, जिसमें से एक हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, यानी अब 400 और सेट करवाने आपको, 400 क्वेश्चन उसी का ये पार्ट है। और आज दोस्तों हम आपके लिए केवल 60 क्वेश्चन लाए हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक है और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है वन में कि भारत में जो मूल्य संवर्धित कर है यानी वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, इसे लागू किया गया था। तो आपको यह बताना है कि इसे कब लागू किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने, तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, 28 मार्च 2004 और 1 जुलाई 2005। तो राइट आंसर क्या मिलने वाला है, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2005 को समाज कल्याण अधिकारी 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर दो देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, यूकेपीएससी समीक्षा अधिकारी 2021 का यह प्रश्न है और पूछा गया है, और आंसर आपको देखना है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम। तो राइट आंसर आपको देखना है इसका क्या होगा। देखिए दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेबी कृपलानी इसका बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने दो बार अध्यक्षता की है, 1934 बंबई के अधिवेशन में और 1939 जो मध्य प्रदेश त्रिपुरा अधिवेशन था वहां पर की है। और देखिए दोस्तों यह प्रश्न भी यूकेपीएससी या यूकेएसएससी ने आपको पूछा है। प्रश्न ऐसा था कि सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद जो त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वह कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऐसा ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो 1929 काफी प्रसिद्ध है जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। और 1936 का अधिवेशन के अध्यक्ष भी यही थे। 1937 जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, जो पहला ग्रामीण अधिवेशन था, इसके भी अध्यक्ष यही थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन और क्वेश्चन नंबर चार। तो यहां पर यह दोनों प्रश्न समीक्षा अधिकारी के हैं। देखिए भारत का प्रथम उपग्रह जो सफलतापूर्ण प्रक्षेपित किया गया था, भास्कर वन, आर्यभट्ट, इनसेट 01 और IRS-1E। तो राइट आंसर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर तीन का। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्यभट्ट इसका बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए, शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन दोस्तों आप सुन लीजिएगा कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर की सहायता से इसे प्रक्षेपित किया गया था बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। सबसे पहले तिथि देखिए और याद कीजिए, अभी अगर मालूम नहीं है, 19 अप्रैल 1975 को, तो 19 अप्रैल 1975 को यह प्रक्षेपित किया गया था यूएसएसआर की सहायता से बैंकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। भारत का दूसरा जो यहां पर आपको भास्कर वन दिखाई दे रहा ना, यह भारत का दूसरा उपग्रह था जो 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। और तीसरा यहां पर देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यह है कि रोहिणी RS-1 भारत की धरती से भेजा गया पहला उपग्रह था, 1980 में भेजा गया था और SLV-3 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। तो क्वेश्चन नंबर तीन ये था, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो यानी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसका जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज, ली डी फॉरेस्ट, जॉन मैकार्थी और जेपी इकर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर चार का, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन मैकार्थी, यह बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूकेपीएससी का प्रश्न है। अब यहां पर दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यूपीएससी पेट के एग्जाम का है 2021 का। तो देखिए दोस्तों हमारा जो यूकेपीएससी है ना, यूपीएससी को भी फॉलो कर सकता है, इसलिए इनके प्रश्न भी हमें देखने हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे पांच है कि सिंचाई के लिए 16 किलोमीटर लंबी चोल झील का जो निर्माण था वो किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर पांच और आंसर दीजिए इसका।
देखिए कि सिंचाई के लिए जो 16 किलोमीटर जो लंबी चोल झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, राज राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम अधिराज ने या फिर राजेंद्र तृतीय ने? तो राइट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम। इसका बिल्कुल सही आंसर है, राजेंद्र प्रथम ही दोस्तों इसका सही आंसर है। अब जरा यहां पर देखिए, अब आपके लिए जूम कर लेता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर जूम कर लेते हैं और यहां पर आप देखिए चोल वंश का अगर आपको संस्थापक पूछा जाता है तो इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। 1850 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी इस वंश की। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय। सबसे प्रतापी शासक यहां पे हुआ है राज राज प्रथम। इसके अलावा यहां पे दूसरा जो प्रतापी शासक हुआ है राजेंद्र जो प्रथम है ना, यह भी हुए थे। देखिए जो राज राज प्रथम था इसने जो यहां पर जो श्रीलंका है ना इसका उत्तरी हिस्सा अपने अंडर में कर लिया था, कब्जे में कर लिया था अपनी नौसेना लेकर। लेकिन जो राजेंद्र प्रथम था ये और भी महान प्रतापी हुआ, इसने पूरे श्रीलंका को विजित कर लिया था, यहां तक कि इंडोनेशिया को भी इसने विजित कर लिया था। तो राजेंद्र प्रथम काफी इंपोर्टेंट है। और राज राज प्रथम से एक बेहद प्रश्न बनता है इंपोर्टेंट कि बृहदेश्वर जो मंदिर है तंजोर का, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसी ने जो राज राज प्रथम है इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और पूछा गया है देखिए जहांगीर का शासन काल था, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको ऑप्शन के अनुसार भी बताने हैं कि यह जो काल है किस किसके हैं, यह मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूं। तो पहले तो आंसर बताइए कि जहांगीर का शासन काल कब से कब तक था, यह प्रश्न है यूपीएसएससी पेट का। और राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1605 से लेकर 1627 तक। बाकी दोस्तों यहां पर 1627 से लेकर 1658 तक की बात करें तो यहां था जो जहांगीर के बाद बैठा था यानी शाहजहां, और 58 से 1707 तक जो यहां पर था यह था औरंगजेब। यह दोनों प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं तो इन फैक्ट को भी याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पे 7, 8 और 9 यह भी यूपीएसएससी पेट के क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है वह कौन सा है? तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर भारत का जो सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात करते हैं तो यह मिलता है NH 44 यहां पे सही आंसर है। और अगर फैक्ट आप यहां पे देखना चाहते हो तो यहां पर यह है कि लगभग NH 44 की बात करें और यह लगभग 11 राज्यों से होकर गुजरता है और 30 महत्वपूर्ण शहर से होकर गुजरता है। ज्यादा लंबाई एकदम याद ना भी कर पाए कोई बात नहीं, केवल मार्ग NH 44 है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 8 है। देखिए पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब होती है, फूड कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है इसकी स्थापना कब होती है? क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। तो राइट आंसर दोस्तों इसका मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा, जी हां दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहां पर डी है यानी 1965, यह बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य जो निगम है जो यानी फूड कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना की बात करें तो होती है देखिए 1965 में, 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना होती है। तो जो इंडियन जो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना दोस्तों इसकी जो स्थापना होती है 1965 में होती है और एक्ट 1964 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा गया है कि कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, केन, सोन, बेतवा और चंबल? तो ये तो दोस्तों मेरे ख्याल से सरल है आप सभी जैन के लिए और राइट आंसर आप देंगे ऑप्शन नंबर यहां पे देंगे बी यानी सोन का। यह आपको मिलेगी गंगा की सहायक नदी। और देखिए दोस्तों हमने आपको जब नदी तंत्र करवाया था यमुना नदी तंत्र वहां पर ये पॉइंट पढ़ाए थे और आप एक बार रिवाइज के तौर पर देख सकते हैं कि ये आ रही हमारी यमुना नदी और इसकी सहायक है देखिए चंबल, बेतवा और केन। और यहां पर बेतवा में आपको 2 डैम मिलेंगे, माता टीला और राजघाट डैम, और चंबल में 3 महत्वपूर्ण डैम है, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर राजस्थान, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, और जवाहर सागर की बात करें तो कोटा राजस्थान। तो यहां पर दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और पूछा गया है, यह समाज कल्याण अधिकारी का पेपर है, कि मृच्छकटिकम जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 मृच्छकटिकम जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो कौन है, कालिदास, शूद्रक, भाष या फिर विशाखदत्त? तो राइट आंसर बताइए इसका। तो जी हाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बी है यानी शूद्रक है। अब यहां पर देखिए, देखिए दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाता है कि भास द्वारा जो लिखी पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो स्वप्नवास दत्तम जो यहां पर रचना है यह भास की लिखी है। कालिदास जी की बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, मालविका अग्निमित्र,
मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश काव्यम, यह इनकी रचना है। और यहीं पर विशाखदत्त की बात करें तो देविक चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस काफी इंपोर्टेंट है, यह इनकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यह है, एक बार देखना चाहते हैं दोस्तों, रिवाइज कर लीजिए, कोई जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो विशाखदत्त की बात करें तो देविक चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, भास की बात करें तो स्वप्नवासदत्तम और कालिदास की ये सभी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से फ्रेंड कंफ्यूज होते हैं, जो हमारा नेशनल जो उपभोक्ता दिवस है यानी राष्ट्रीय वाला और विश्व वाला, तो आंसर की बात करें तो क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व की बात करते हैं तो 15 मार्च को हो, और यहीं पर ऐसा बोला जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए नए स्टूडेंट्स है। देखिए 20 मार्च की बात करें तो वर्ल्ड स्पोरो डे या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी हम यहाँ पे मनाते हैं, और इस बार की जो स्पोरो की जो थीम थी ना, स्पेरो जो पक्षी है, उसकी जो थीम थी आई लव स्पेरो, यह इसकी थीम थी 2022 की। विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें, इसकी थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फाइनेंस इस 2022 की थीम थी। तो देखिए दोस्तों, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए यहां पर, तो आपके लिए जूम कर लेता हूं, रिवाइज कीजिए, 2022 की जो थीम थी विश्व उपभोक्ता दिवस की, फेयर डिजिटल फाइनेंस, और 20 मार्च को जो स्पेरो डे मनाया जाता है, स्पेरो डे, इसकी जो थीम थी आई लव स्पेरो। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह था, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार कौन थे, तो देखिए दोस्तों यह है यूकेपीएससी का प्रश्न, और आंसर दीजिए इसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, जॉर्ज स्टोक, एडवर्ड सर्डन, जॉन मैकार्थी और सर एलिक जेफ्रिक। देखिए दोस्तों, अभी आपको ये ऑप्शन में दिया था ना जॉन मैकार्थी वाला, और जॉन मैकार्थी जब ऑप्शन में दिया था तो यहां पर आपको बताया था कि इसने जो खोज की थी, जो इसका आविष्कारक था, ये तो था एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, है ना, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। और राइट आंसर अगर फिंगरप्रिंटिंग की बात करें डीएनए का, तो ऑप्शन बी है, सर एलिक जेफ्रिक, सर एलिक जेफ्रिक। क्वेश्चन नंबर 13, सुदर्शन झील का निर्माण, देखिए दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है क्योंकि इंपोर्टेंट है सुदर्शन झील वाला, तो किसने इसका निर्माण किया था बताइए, तो शास्त्र, पर्णदत्त, पुष्यगुप्त वेश्या और चक्रपालित। तो राइट आंसर क्या मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, पुष्यगुप्त वैश्य यहां पे सही है। अब जरा यहां पर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और उसने पुष्यगुप्त को आदेश दिया था, जो पुष्यगुप्त वैश्य था इसे आदेश दिया था कि इस मंदिर का निर्माण, जो यहां पर ये झील है, इस झील का निर्माण करो। इस झील का जो निर्माण करता है, जो हमारा गुजरात है, गुजरात का जो यहां पर जो गिरनार वाला क्षेत्र है, वहां पर इस झील का निर्माण करता है। और बाद में कुछ समय बाद जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, अशोक राजा बनता है, और अशोक फिर अपने जो महामात्य होता है तुषास्प, उसको बोलता है कि इसका जीर्णोद्धार करो। फिर बाद में जब गुप्त काल आता है तो वहां पर भी समुद्रगुप्त भी यहां पर जीर्णोद्धार का काम करवाता है और यहां पर डैम के रूप में से विकसित करता है। तो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आंसर दीजिए। यह है दोस्तों यूकेपीएससी समीक्षा अधिकारी 2021 के प्रश्न, अशोक के सानात स्तंभ में कौन सा चित्र अंकित नहीं है, तो इसका आंसर देखना है कि अशोक के सानात जो स्तंभ है, यहां पर कौन सा चित्र अंकित नहीं है। तो राइट आंसर दीजिए जरा क्या मिलने वाला है, और आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर यहां पर डी, यानी गेंडा सिंह नहीं है, खत्तर सिंह, गेंडा सिंह थोड़ा अलग अलग हैं, तो गेंडा सिंह यानी ऑप्शन ये डी बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए, तो एक चीज तो आपने देख ली है कि घोड़ा है, हाथी है, शेर है, ठीक है, घोड़ा, हाथी, शेर, यहां पे अशोक के स्तंभ में आपको यहां पे चिन्ह मिलने वाले हैं। लेकिन एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखिएगा, और वह फैक्ट दोस्तों यहां पर यह है कि अभी हाल ही में जो यहां पर जो एक नई जो प्रतिमा है, जो यहां पर आप देख रहे होंगे ना, ये जो हमारा अशोक स्तंभ है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इसको यहां पर क्या किया गया है कि एक चिन्ह का यहां पर अनावरण किया गया है। और इस चिन्ह की बात करें तो देखिए लगभग 100 कारीगरों ने इसे निर्माण करवाया था, 1600 केजी वजन यहां पर टोटल है, जिसमें से लगभग 9500 केजी जो वजन है केवल इस जो यहां पर कांस्य वाली जो यहां पर दिखा देना ना चिन्ह, इसकी है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, और इसका उद्घाटन हुआ था 11 जुलाई 2022 को, बस ये तिथि ध्यान रखनी है। 108 फीट यहां पे लंबा मिलेगा और 33 मीटर या करीब यहां पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 33 मीटर इसकी लंबाई है और यहां पर ऊंचाई की या बात करें 108 फीट इसकी ऊंचाई है, 33 मीटर या फिर 108 फीट के बराबर। अगला है क्वेश्चन, देखिए यहां पे पूछा गया है कि जो प्रबंध चिंतामणि पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो देखिए दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है,
तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी जो मैरुतुंग है यह बिल्कुल सही है। प्रबंध चिंतामणि जो पुस्तक लिखी है वो मैरुतुंग ने लिखी है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो यह तो ऐसा प्रश्न है दोस्तों, ना जाने कितनी बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न, और आप सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए 1878। किसने शुरू किया था? लिटन ने शुरू किया था, लॉर्ड लिटन ने इसका शुरू किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में। और बाद में जब रिपन आता है ना, जो स्थानीय स्वशासन का जिसे जनक कहते हैं, इसके द्वारा इस जो एक्ट यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसे समाप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर मिल गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में नगर निकायों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। सहायक विकास अधिकारी यूकेएससी का प्रश्न है और आंसर आपको देना है कि किस अनुच्छेद में नगर निकाय के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे नगर निकाय है उनकी जो अयोग्यता है इसका जो संदर्भ बताया गया है वो अनुच्छेद 243 बी में है। कहां पर है? ऑप्शन जो बी है यानी 243 बी यह बिल्कुल सही है। और नगर पालिकाएं के कुछ अनुच्छेद है दोस्तों, यहां पर आप देखिए, हो सके तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन चुका है नगर पालिकाओं के जो संबंधित अनुच्छेद है उनसे पूछे जाने का। बी में अयोग्यता है, यू में कार्यकाल है, टी में आरक्षण है। यही पर बात करें तो देखिए, अभी पूछा गया था कि जो जिला योजना समिति है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 जेड डी में है। जेड ए में निर्वाचन है, वाई में वित्त आयोग है। नगर पालिका की यहां पे बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे 18। पिल्ले या बांध, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है ना, अब कुछ प्रश्न यहाँ पे सहायक विकास अधिकारी के ही हैं। तो देखिए तिलैया बांध किस नदी पर है आपको बताना है, या बराकर है वैसे, या बराकर है वैसे, चिनाब, बराक या फिर यहाँ पर है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है और आंसर आपको देना है दोस्तों नदी है वहां पर आपको मिलेगा। और यह जो बराकर नदी है यानी यहाँ पर जो तिलैया डैम है ये झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि चिनाब में कौन सी परियोजना है, एक है दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। तो यह जम्मू कश्मीर में आपको मिलती है, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। बराक नदी आपको पूछी जाए तो इस पर एक डैम है दोस्तों, यह है तिपाई मुख डैम मणिपुर में है। और ताप्ती की बात करें एक बहुत ही प्रसिद्ध परियोजना है, इसका नाम है उकाई परियोजना या उकाई डैम, और यह आपको गुजरात में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ताप्ती की बात करें तो उकाई डैम, बराक की बात करें तो तिपाई मुख डैम, चिनाब की बात करें तो दुलहस्ती, बगलिहार और सलार डैम, और बराकर की बात करें तो यह मिलेगा तिलैया जो डैम है वो मिलेगा और झारखंड में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे MICR का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए पहले आप यहां पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहां पे ये सही है, राइट आंसर ए ही है। अब यहां पर देखिए कुछ है यहां पे, जैसे डोस आपको पूछा जाता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूएसबी की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस, वीपीएन की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वीएलएसआई की बात करें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एक फैक्टर दोस्तों यहां पर और भी है, BCC, अगर आपको पूछा जाए कि जो यहां पर यूज होता है ना, अगर बात करें जो हमारा जो ईमेल होता है वहां पे BCC का मतलब क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन यहां पर कॉपी की बात करें इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। शायद मैंने कुछ समय पहले इसे ब्लैंक कर दिया था, तो प्लीज इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, CC का कार्बन कॉपी और BCC का ब्लाइंड में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की कोडरमा प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, लोहे एस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए। अब तो कोडरमा खनिज देखिए ये आपको मिलता है झारखंड में, और यह जो है ना ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में UKPSC ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि अभ्रक उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वह कौन सा है। शायद ये जो क्षेत्र हमने आपको कराया था फॉरेस्ट रेंजर वाला, वहां पे प्रश्न था कि अभ्रक उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, तो ये होता है आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कोडरमा आपको झारखंड में मिलेगा, अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश पूरे भारत में अभ्रक उत्पादन के लिए सबसे बड़ा यहां पर राज्य है। क्वेश्चन नंबर 21 कि राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैप संगठन नेटमो कहां पर है, तो नेटमो दोस्तों आपको मिलेगा कोलकाता में। कहां पर मिलेगा? कोलकाता में। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मैप संगठन कहां पर है? कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में है। तो देखिए दोस्तों यहां पर यह है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हम्बोल्ट धारा प्रभावित होती है? भाई साहब इस क्वेश्चन को बताइए कि हम्बोल्ट धारा कहां पर प्रभावित होती है? ब्राजील पेरू तट पर, ब्राजील तट पर, अर्जेंटीना और ब्राजील तट पर, पेरू व अर्जेंटीना तट पर। तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। और देखिए दोस्तों, राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरू तट पर आपको मिलेगा। और देखिए दोस्तों, यहां पर देख लीजिए जरा, जो हम्बोल्ट है ना, इसी को पेरुवियन धारा भी कहते हैं। तो समझ चुके होंगे कि पेरू तट पर मिलेगा, इसे हम्बोल्ट पेरुवियन धारा भी कहते हैं, पेरुवियन धारा भी कहते हैं। और एक चीज देखिए कि यह जो धारा है ना, ये ठंडी जल धारा है। कौन सी धारा है? ठंडी जल धारा है। और ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां पर कुछ ट्रिक है कि कौन कौन सी ठंडी जल धारा है, गर्म जल धारा है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ठंडी जल धारा की ट्रिक आपके सामने रखी है, कंफ्यूज मत होना, जरा सुन लीजिए कि हम बोले ग्रीन लेव में बगुला केला क्यों फेंके। देखिए कितनी खतरनाक ट्रिक है भाई साहब, कि हम बोले ग्रीन लेब में जो बगुला है वो केले क्यों फेंके। अब यहां पर देखिए कि ये जो सभी है ना धाराएं, ये सभी ठंडी जल धारा है। हम बोले हम्बोल्ट ग्रीन, देखिए ग्रीनलैंड यहां पे आप देखोगे, सभी देखिए यहां पे कि हम्बोल्ट हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, लेब्राडोर यानी लेब से लेब्राडोर, बेंगुला, देखिए बेंगुला है वैसे तो बेंगुला, यहां पर ये हो गया फॉकलैंड और क्यूराइल। तो क्यों फेंके? क्यूराइल फेंके फॉकलैंड। तो यहां पर दोस्तों ये हैं, इन्हें याद कीजिएगा, ऐसे भी बन सकते हैं कि हम बोले ग्रीन लैब में बगुला केले क्यों फेंके, ये क्या है? ठंडी जलधारा है। तो प्रश्न बने कि ठंडी जलधारा कौन सी है, कौन सी नहीं है, ऐसे ट्रिक करके याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मुंबई जो यहां पर विक्टोरिया जो टर्मिनल है ना, रेलवे स्टेशन, ये कौन सी शैली में बना है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नवगोथिक, जो नवगोथिक जो यहां पर शैली है इसमें इसका निर्माण करवाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 और 25 कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को वेरी 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 जितना भी वेरी कर सकते हो उसे कर दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, बार बार एग्जाम में आता है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो क्या है? यह है दोस्तों ऑप्शन सी, जो पश्चिमी विक्षोभ होता है इसका कारण है। शायद वीडियो में भी पूछा गया है, किसी और एग्जाम में भी पूछा गया है, और हर एग्जाम में लगभग दो तीन एग्जाम को छोड़कर यह प्रश्न पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, वत्स महाजन की राजधानी कौन सी है? तो देखिए 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में जो यहां पर राजधानी की बात करें ना, तो यह आपको मिलेगी अगर वत्स की, तो वत्स मिलता है कौशाम्बी में, वत्स कौशाम्बी में। कुछ यहां पर महाजनपद है, आप यहां पर देखिए, देखिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, तो काशी वाराणसी राजधानी थी, कौशल की श्रावस्ती थी, कौशल श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा थी। कैसे याद करना है कि अंग क्या है, कि याद देखिए जब हम कोई ज्यादा काम करते हैं ना, तो हमारे अंग थक जाते हैं, और जब अंग थक जाते हैं तो हमें उसकी क्या करनी पड़ती है, चंपी चंपी करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है। तो अंग का चंपा, चेदी शक्तिमती, क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो चेदी, जी हाँ, चेदी चेदी शक्ति चाहिए भाई साहब, तो चेदी शक्तिमती। वत्स कौशाम्बी जो आपको पूछा है, कुरु की बात करें तो कुरुक्षेत्र से इंद्रप्रस्थ कर देना, महाभारत से इसे रिलेट कर देना, पांचाल अहिच्छत्र, कपिल्य, मत्स्य का विराट नगर, जहां से विराट नगर की बात करें, जहां से द्रौपदी थी, सूरसेन मथुरा। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने महाभारत देखी होगी ना, तो उन्हें आधे से ज्यादा नाम तो वैसे ही याद होंगे, तो इन सभी को याद करने अच्छी बात है। देखिए मल की बात करें, तो मल यानी मिट्टी की बात करें ना, तो कुशीनगर, तो कुश्ती से मल, तो यहां पर ऐसे ही याद करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और 27, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी, ये आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 26 का। और राइट आंसर आपको क्या मिलेगा? तो राइट आंसर जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पर जरा सोचिए, तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, 1948, ये सही है। भारत में प्रथम जो औद्योगिक नीति लाई गई थी वो 1948 में लाई गई थी। अब यहां पर देखिए, ऐसा पूछा जाता है कि 6 अप्रैल 1948 को भारत ने अपनी पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं, तो राष्ट्र की पहली जो वन नीति आई थी, ये 1894 में आई थी, और स्वतंत्र भारत की जो पहली वन नीति थी, ये 1952 में आई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसा पूछा जाता है कि पहला कारखाना अधिनियम कब लाया जाता है, तो 1881 में लाया जाता है। कब लाया जाता है? 1881 में लाया जाता है, लॉर्ड रिपन के काल में। दूसरा कारखाना अधिनियम, लॉर्ड जो यहां पर लेंसडोन है ना, जो यहां पर हमारा कालू का डांडा वाला है, उसी के काल में लाया जाता है, 1891 में। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, रेडर शब्द किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो रेडर की बात करना है, तो देखिए दोस्तों, रेडर की बात करें, तो इसका जो आपको प्रयोग किया जाता है, ये किस में किया जाता है?
क्वेश्चन नंबर 27 का, तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो यहाँ पर डी है, यानी कबड्डी वाला, ये सही है। रेडर शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए देखिए दोस्तों, रेडर शब्द की बात करें कबड्डी खेल से संबंधित है, और कबड्डी के कुछ शब्द है जैसे रेडर हो गया, बोनस हो गया, एंटी वर्क लाइन, मार्च लाइन, लोना, बैटिंग ब्लॉक या फिर लॉबी। तो ये सभी क्या है, कबड्डी खेल के शब्दावली है। तो अगर आप यहाँ पे जूम करके देखना चाहते हैं तो उन्हें देख लीजिए कौन कौन से शब्द है, रेडर, बोनस, एंटी वर्क लाइन, मार्च लाइन, लोना, बैटिंग ब्लॉक और लॉबी। तो यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर 27। अगले क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है देखिए 28 और 29 की, संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक जो घोषणा की थी, जो ह्यूमन राइट के लिए जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी ना मानवाधिकार की, ये कब होती है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर देना है आपको, और राइट आंसर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए दोस्तों 10 दिसंबर तो यहाँ पे सब लिखा है, और तिथि की बात करें तो 1948 है, 10 दिसंबर 1948 इसका बिल्कुल सही है। और देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की बात करते हैं, तो देश की पहली जो स्वर्ण राजधानी ट्रेन है, तो यहाँ पर यह होता है दोस्तों, बताइए जरा, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर 2017। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और 31, ओपेक की स्थापना किस वर्ष होती है, ये आपको बताना है। ओपेक की स्थापना, तो देखिए ओपेक की बात करें हैं, यानी ओपेक की बात करें ओपेक OPEC, तो देखिए दोस्तों ओपेक का मतलब होता है जो, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुप है, और इसकी स्थापना 1960 में होती है। और अगर आप यहाँ पे कुछ फैक्ट देखना चाहते हो, वियना में इसका हेडक्वार्टर मिलता है, 13 देश वर्तमान में है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले कतर ने इसे छोड़ा था, और सबसे पहले इसका जो हेडक्वार्टर था ना ये बगदाद में था, कुछ समय बाद यहाँ पर जो 1965 से इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी इरविन ने समझौता, तो देखिए सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन मिलेगा आपको 5 मार्च तो मिलेगा, कौन सा मिलेगा जरा बताइए, तो 5 मार्च 1931 ये सही है, गांधी इरविन समझौता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 33 34, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न है UKPCS के 2021 वाले जो पेपर था वहां से है, 32 से लेकर 50 तक आपको इसका आंसर देना है। देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है, तो कौन सा देश यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, ये आपको देखना है क्वेश्चन 32 का, गेबन, गुयाना, गिनी या फिर गिनी बिसाउ, क्वेश्चन नंबर 32 का। तो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी गुयाना नहीं मिलेगा। और गुयाना की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा जो दक्षिण जो अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, और यहाँ पर आपको मिलता है गुयाना में, तो फ्रेंच गुयाना आपने सुना होगा नाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना है ना, तो ये आपको मिलता है दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में, और बाकी सभी ये अफ्रीका के देश है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे लंबी पर्वतीय जो श्रृंखला है वो कौन सी है, UKPCS का प्रश्न है, 2021 का प्रश्न है, और आंसर आपको देना है दोस्तों इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर आपको देना है, और आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जी हाँ, एंडीज पर्वत यहाँ पे श्रृंखला है, यह बिल्कुल सही है, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, तो यह मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी नीलगिरी की पहाड़ी में, यह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 36 और 37, देखिए कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर कुछ ठंडी जलधारा याद करवाई थी ना, कि हम बोले जो ग्रेन बगुला था ना, वो हम बोले जो ग्रेन बगुला था वो लेब में केला क्यों फेंके, कुछ ऐसा था, तो एक बार रिवाइज कर लेना, याद में हो जाएगा, और यहाँ से आपकी जो ग्रेन जो यहाँ पे जो ठंडी जलधारा है याद हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए पूछा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है, तो देखिए दोस्तों जो बेंगुला वाला था ना, हम बोले जो यहाँ पर जो बेंगुला था, जो बेंगुला था ये लेब में क्या फेंक रहा था, केले क्यों फेंक रहा था, तो बेंगुला ही है। देखिए जो हमारा दक्षिण अफ्रीका वाला जो देश है, महाद्वीप है, इसके तट पर यह रेखा चलती है, तो यहां पर यह चलती है, जो यहां पर यह प्रवाहित होती है, जो धारा है ना बेंगुला वाली, तो यहां पर होती है, इसका मतलब यहां पर यह कौन सा आ गया, यह दक्षिण अटलांटिक आ गया, ना कि उत्तरी अटलांटिक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, तो यह तो आपने देख लिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जरा यहां पर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए, बेंगुला एक ठंडी जलधारा है और यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर यहां पे चलते हैं 36, और पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। बर्नियो, देखिए सबसे बड़ा नहीं पूछा, सॉरी सबसे बड़ा दूसरा पूछा है,
बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, देखिए ये प्रश्न यूके पीसीएस के हैं, तो आंसर आपको मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी न्यू गिनी इसका सही आंसर है। यहां पर आप देखना चाहते हो, देखिए सबसे बड़ा जो द्वीप है एक है ग्रीनलैंड, दूसरा आता है न्यू गिनिया या न्यू गिनी जो यहाँ पे लिखा है, सॉरी बोर्नियो जो द्वीप है ये तीसरा स्थान आता है और मेडागास्कर जो है ना इसका चौथा स्थान आता है। तो टॉप फोर यहाँ पे क्षेत्रफल में जो जो बड़े द्वीप है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी वाला ना, और बोर्नियो द्वीप और मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये पवन है, देखिए जो हवा होती है ना हवा का नाम है और आपको ये देखना है कि कौन सी हवा कहां पर सुमेलित नहीं है। जो पवन हवा है ये आल्पस पर्वत से होकर जाती है, मिस्टल की बात करें तो राइन घाटी से, बोरा की साइबेरिया से और खमसिन की बात करें तो मिस्र से। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शायद टॉप लेवल का प्रश्न है ये और राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, बोरा वाला यही नहीं है। कुछ लिस्ट दोस्तों आपके लिए यहाँ पे रखी है, इन्हें आप पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। देखिए जो यहाँ पर मिस्टल है ना, मिस्टल स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर पूछा गया है ना कि मिस्टल राइन घाटी और राइन नदी आपको फ्रांस में मिलेगी ना, फ्रांस जर्मनी साइड में, तो वहां पर ये आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए बोरा की बात करें तो ये एडियाटिक जो सागर है पूर्वी किनारे से होकर उत्तरी इटली के भाग में बहती है, पुर्गा की बात करें रूसी टुंड्रा में बहती है और बाकी जो फॉन की बात करें यूरोप से, देखिए यूरोप में आल्पस पर्वत है उसके सहारे ही होकर बहती है, हर्मटन सहारा रेगिस्तान में, खमसिन मिस्र में जो आपको पूछा है, लीबिया की बात करें गिबली और यामो की बात करें जापान। तो एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं कई बार, चिनूक कई बार पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40, देखिए विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए दोस्तों दूसरी सबसे लंबी नदी जो आपको मिलेगा वो अमेजन मिलेगा, क्योंकि पहली जो सबसे लंबी नदी है वो नील है, नाइल है, और दूसरी सबसे बड़ी अमेजन है। और यहीं पर बात करें 39वें की, कौन सी कांटी चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो देखिए दोस्तों डोलोमाइट है, इसका आंसर भी आपको डिटेल डिस्कस करवाएंगे अभी। और कौन सा पठार अरावली बिंध्या श्रेणियों के मध्य में है, तो अरावली और यानी अरावली राजस्थान वाला क्षेत्र और मालवा यानी जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है तो इसके बीच में आपको मिलेगा मालवा वाला पठार, यह सही है। अब जरा यहाँ पे आप देखना चाहते हो, इसे अभी आपको दोबारा डिस्कस करवाएंगे, कोई बात नहीं, अरावली एवं बिंध्या श्रेणियों से मध्य है मालवा पठार। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जरा देखिए, देखिए दोस्तों चट्टान की बात करें तो तीन प्रकार की चट्टान होती है, औषादी, आग्नेय और रूपांतरित। सबसे पहली चट्टान होती है आग्नेय, जो आग्नेय से बनती है, इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और इसके जो एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसोल्ट, ये आग्नेय चट्टान के एग्जांपल है। और ग्रेनाइट से रूपांतरण होता है नीस में, बेसाल्ट से निर्माण जो यहाँ पे रूपांतरण होता है एम्फीबोलाइट में या फिर सिस्ट में। तो इनकी लिस्ट है दोस्तों, कौन औषधि चट्टान है, कौन रूपांतरित चट्टान है और कौन सी आग्नेय चट्टान है। पूछा जाएगा कि ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, बेसोल्ट कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो इन लिस्ट को आप देखिएगा और कोशिश करिएगा अभी याद कीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ पे इसे रब कर लेता हूं। तो देखिए पूछा जाएगा अगली बार कि चूना पत्थर क्या है, यहां पर ये औषधि चट्टान है, बालू का पत्थर औषधि चट्टान, डोलोमाइट आपको पूछा जाए, जो अभी पूछा गया था डोलोमाइट की बात करें दोस्तों ये औषधि चट्टान है ना कि रूपांतरित चट्टान। तो आपका आंसर मिल गया है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, 42 और 43। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने माह के भीतर होना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी जो प्रश्न चल रहे हैं ना 50 तक केवल यूके पीसीएस के प्रश्न चल रहे हैं, तो देखिए आप यूके पीसीएस के प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होना आवश्यक है। तो सभी ने पढ़ा है कि 6 माह में होता है ना, 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल से लागू होता है 1993 से, तो ये फैक्ट आपने बार बार पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। तो दल विरोधी कानून मिलता है आपको 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी में मिलता है। और यहीं पर बात करें देखिए कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है जिसमें दल बदल जो कानून होता है विरोधी का यह पारित किया जाता है। तो कौन सा है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, कब है 1985 में, तो यहां पर यह है। क्वेश्चन नंबर 43, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो आंसर देना है आपको, तो देखिए दोस्तों लोक लेखा समिति की बात करते हैं, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, सॉरी, तो लोकसभा के सदस्य कितने हैं,
तो देखिए दोस्तों, लोकसभा लोक लेखा समिति की बात करें तो वैसे 22 सदस्य होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं और 7 सदस्य यहाँ पे राज्यसभा से होते हैं। तो 15 + 7 टोटल 22 होते हैं और यह लोकसभा समिति जो लोक लेखा समिति होती है वह होती है। क्वेश्चन 44, 45 और 46, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो राइट आंसर आपको देना है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, आपको ध्यान भी होगा और याद भी होगा पहले से, लाहौर अधिवेशन 1929 जो यहां पे जवाहरलाल नेहरू करते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की यहां पर मांग की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 45 है, भारत के संविधान सभा द्वारा जनगण मन को हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो जनगण मन को अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जनगण मन जो अपनाया जाता है ना, ये अपनाया जाता है यहां पर 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को। जूम कर लेता हूं आपके लिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज। और राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950। जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, इसे अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पर बात करते हैं कि कौन भारत के मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष थे? तो देखिए दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो आप कंफ्यूज होंगे रमास्वामी और रंगनाथ मिश्र में, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी इसका सही है, रंगनाथ जो मिश्रा है ये इसका सही आंसर है। और मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन होता है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ना वो अरुण कुमार मिश्रा जी है। उस टाइम भी मिश्रा जी थे और अभी भी कौन है? मिश्रा जी है। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46, क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49 का आंसर दीजिए। देखिए पूछा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवा के विषय में किसके सेना सलाहकार है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सीडीएस के है। और ध्यान रखिएगा काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। और वर्तमान की सीडीएस की बात करें तो जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी है वो यहां पर है। अंतरराष्ट्रीय संगठन आपको पूछा गया है, आईएलओ की बात की गई है। तो देखिए दोस्तों, आईएलओ का जो संगठन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाला, इसकी स्थापना कब होती है? तो देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो यह कौन सा है? यह कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 300A में यह आपको अनुच्छेद मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया था। अब यह आपको कहां पे मिलता है? यह मिलता है ऑप्शन नंबर ए यानी 300A में मिलता है और कानूनी अधिकार है। अंतरराष्ट्रीय सभा संगठन की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, आईएलओ की बात करते हैं तो वर्षाय की संधि के तहत इसकी स्थापना 1919 में होती है, हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिलता है। और इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा कि 1969 में इसे नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर यह था और अब देखते हैं 58वां क्वेश्चन है। देखिए पूछा है यहां पर कि सूचियां दी गई हैं और आपको बताना है राज्यसभा सीटें। अगर थोड़ा हार्ड प्रश्न बनता है ना तो राज्यसभा की सीटें भी पूछ लेते हैं, लोकसभा की सीटें भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर पंजाब की बात करें हैं तो पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो कितनी है जरा बताइएगा कोई, पंजाब में कितनी है? उत्तराखंड तो सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में 3 है और बी का 3, यानी राइट आंसर ये तो आपको यहीं पर मिल गया है। खैर फिर भी देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब में आपको मिलते हैं 7 राज्यसभा की सीटें। पंजाब में कितनी है? 7 है। और दिल्ली में कितनी है? तो दिल्ली में दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है जरा बताइएगा, उतनी आपको यहां पर मिलेगी। खैर यहां पर देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ झारखंड इन सभी की याद करना है आपको। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 है और झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपको 6 मिलेगा। तो आपके लिए एक बार रब कर लेता हूं जिससे कि आप साफ देख पाए। तो यहां पर देखिए अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में है 7, झारखंड की बात करें तो देखिए झारखंड में आपको मिलती है 6, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 5 और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको मिलती है 3। तो यहां तो दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जो राज्यसभा सीटें हैं ये हो गई है, लेकिन इसके अलावा
सॉरी इसे भी याद करना जो टॉप यहां पर है। देखिए जो टॉप यहां पर फोर है, जैसे उत्तर प्रदेश 31 यहां पर राज्यसभा की सीट है, महाराष्ट्र 19 है, तमिलनाडु 18 है, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 16 यहां पर राज्यसभा की सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 हो गया है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं 51 पे। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो भी काफी इंपोर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कहां होती है, किस वर्ष होती है एडीबी की, तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 का। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1966 इसका बिल्कुल सही है। और एडीबी की बात करें तो देखिए 68 यहां पर टोटल मेंबर है, 68 यहां पर क्या है टोटल सदस्य हैं, जिसमें से 49 जो सदस्य हैं ये एशिया से हैं और बाकी बाहर से हैं। और मासातत्सु यहां पर नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा इसका, जो असाकावा है ये इसका यहां पर क्या है, ये इसके वर्तमान में यहां पर अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। हेडक्वार्टर इसका मनीला में आपको मिलेगा। तो मथास्कु यो अशाकावा है इसके क्या है वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 तो आपने देख लिया है, अब जरा यहां पर देखिए। सबसे पहले हमने आपको 1960 बताया था ओपेक वाला, और ओपेक में आपको याद होगा कि 13 मेंबर है, स्थापना 1960 में होती है, वियना इसका हेडक्वार्टर है, पहले हेडक्वार्टर इसका बगदाद होता है, और 1965 के आसपास इसका जो हेडक्वार्टर है ये वियना ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन यहां पर बी की बात करें 65 की, देखिए 1965 यूएनडीपी की स्थापना होती है, 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी की स्थापना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आचिन जो स्टीनर है ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं, और हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलने वाला है। तो यूएनडीपी 22 नवंबर 1965 आचिन स्टीनर इसके प्रमुख है वर्तमान में, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और 1957 की बात करें तो देखिए ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, और वियना में इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पे 52 है। तो देखिए दोस्तों जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल उस्र की उपाधि दी थी, तो ध्यान रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो यह जो उपाधि दी थी ना, यह उपाधि दी थी ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है उस्ताद मंसूर को, उसे दी थी। जरा आप यहां पर देखिए, आपको व्याख्या देते हैं, इसे भी याद करके चलिएगा। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इन दोनों को जहांगीर द्वारा उपाधि दी जाती है, मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी जाती है, और अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा। अब्दुस्मंद और मोहम्मद हुसैन ये अकबर के दरबार में थे, और अब्दुस्मंद को सीरी कलम की उपाधि और मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि अकबर के द्वारा ही दी जाती है। तो देखिए दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है उपाधि ये वाले प्रश्न आते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो बताइए जरा हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है एओ ह्यूम ये सही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने ये चीज पढ़ी होगी, मुझे मालूम है आपको आता भी होगा, स्कॉटलैंड का ये निवासी था, हर्मिट ऑफ शिमला इसे कहते हैं, कांग्रेस का संस्थापक भी इसे माना जाता है। और इंपोर्टेंट देखिए यह प्रश्न यहाँ पर यूके पीएससी का आपको पूछा गया है, जब अभी कुछ समय पहले हमने आपको यूके पीएससी के प्रश्न करवाए थे ना, तो वहां पर ऐसा प्रश्न पूछा गया था, हमने आपको करवाया था, बताया गया था वहां पे कि जो एयू होम का जो वास्तु एयू होम का जीवनीकार कौन था, जिस जो यहां पर जो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना था, तो देखिए इसका नाम था विलियम बैडर बर्न, इसका नाम था 1889 में, और 1990 में ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। तो देखिए दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, विलियम बैडर बर्न दो बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, जीवनीकार होता है एयूम का, और 1889 में, तो यहाँ पे कब बनता है, बंबई में जो 1889 होता है ना जॉर्ज यूल के बाद यही बनता है। तो आंसर की बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे 54 और 55, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों परसों के पेपर में आया था जो हमने पढ़ाया था, वहां पे आया था कि जो राज्यपाल का जो वहां पर कौन सा अनुच्छेद है, राज्यपाल सर मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, अभी आपको याद भी करा दूंगा। हाँ 213 आपको पूछा गया था कि 213 में क्या है, तो देखिए दोस्तों ये अध्यादेश वाला था ना, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आपको देखना है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ बी आपको मिलेगा, अनुच्छेद 161। 213 में तो क्या है, 213 में तो आपको दोस्तों क्या मिलेगी, 153 में राज्य का राज्यपाल होगा ये बताया गया है,
161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है, 213 में अध्यादेश शक्ति है और 171 में 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, इसके बारे में बात की गई है। 55 की बात करते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश शक्ति विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक मान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देना है, तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, तो 55 का आंसर की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि अध्यादेश शक्ति जब जारी करता है राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत, तो यहाँ पर जब संसद या फिर जो सत्र शुरू हो जाता है यहाँ पर विधानसभा का, तो जरूरी होता है कि इतने समय के भीतर भीतर आपको इसे पारित कराना पड़ता है। अगर पारित नहीं कराओगे तो इस अध्यादेश की वैल्यू नहीं रहती है, तो कितना समय वो माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब सत्र शुरू हो जाता है ना, तब बोलते हैं कि 6 सप्ताह का समय, या 6 सप्ताह की बात करें तो 6 सप्ताह का मतलब कितना हो गया, 7×6=42 दिन भी आ सकता है ऑप्शन में, ऐसा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56-57, हो जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, कहां पाई जाती है हो जनजाति। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा पूछा गया था, जो लेप्चा और हो जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, हमने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है कि हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, क्योंकि लेप्चा जनजाति सिक्किम में है, हो जनजाति आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, हो जनजाति की बात करें तो मुख्यतः ये झारखंड में पाई जाती है। देखिए, सर्वाधिक ये झारखंड में आपको मिलती है, यहाँ पर आप देखोगे सिक्किम में लेप्चा, बिहार में बेगा बथुड़ी, मध्य प्रदेश में भील अगरिया बेगा कोल गोंड, ये सभी जनजाति है, और झारखंड में संथाल मुंडा हो और गोंड जो जनजाति है मिलती है। एक बार जूम कर लेता हूं आपके लिए, जिससे कि आप साफ देख पाए, क्लियर देख पाए और याद भी कर पाए। तो याद करिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक जो जनजाति वाला जो प्रदेश है, राज्य है, मध्य प्रदेश से आपको मिलता है, सर्वाधिक जनजाति आपको यही मिलती है, भील अगरिया बेगा कोल गोंड यहाँ की प्रमुख जनजाति है। अलमट्टी परियोजना किस नदी पर है, अलमट्टी। देखिए दोस्तों, अलमट्टी की बात करते हैं तो अलमट्टी, देखिए जो कृष्ण भगवान थे ना, जब माता यशोदा को जब उन्होंने क्या दिखाया था, पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, तो मिट्टी खा रहे थे, तो कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा कि कृष्णा नदी पर आपको मिलेगा अलमट्टी बांध। अब जरा कुछ और फिर देखना चाहोगे, कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन डैम आपको मिलेगा, और नागार्जुन सागर डैम आपको मिलेगा, और श्री सेलम डैम जो है ये भी आपको कृष्णा नदी पर मिलने वाला है। तो 3 डैम आपने कृष्णा नदी पर देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 और 59, भारत का पहला हाईकोर्ट पेपर लेस बना है, तो पहला पेपर लेस हाईकोर्ट भारत का कौन सा बना है, तो आंसर आपको देना है, और इसका आंसर आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो जी हाँ, जो भी उत्तराखंड दे रहे हैं दोस्तों वे सभी गलत हैं, क्योंकि केरल हाईकोर्ट इसका सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसका आंसर देना है, तो और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 59 का ये है ऑप्शन नंबर सी, और राइट आंसर ये है ऑपरेशन गंगा की बात करें तो यूक्रेन में भारतीयों को बचाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, और पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड 2000, फिर देखिए दोस्तों 2021 की बात की गई है, और बताने आपको कि कौन सा यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2021 चुना गया था, तो आंसर दीजिए जरा, हना संधु, डेस्टिनी वेगनर, मानसा वाराणसी, कैरोलिना विलासुका। पहले हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करा चुके हैं और इंपोर्टेंट है, इसलिए आप दोबारा रखा है, मिस वर्ल्ड 2021, तो मिस वर्ल्ड 2021 का आंसर आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नाम है, अगर कैरोलिना विलासुका की बात करते हैं तो यह सही है, हना संधु बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स 2021 की, डेस्टिनी वेगनर मिस अर्थ है, मानसा वाराणी की बात करें तो मिस इंडिया 2021 है, और यहीं पर बात करें 2022 भी बन चुकी हैं जुलाई के आसपास, फेमिना मिस इंडिया 2022 सिने सिटी बंबई में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 ये है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है, और आई होप आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।